तकलीदी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में देते हैं कुछ खास जानकारियां, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ दिलचस्प और लाभकारी जानकारियां। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम की। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खेती किसानों को तो लाभ देती ही है, साथ ही साथ मिट्टी की सेहत में भी सुधार करती है। किस तरह से आप कर सकते हैं इसकी उन्नत खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। रबी फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों और आलू के बाद ज्यादातर किसान तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई का काम करते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों में मूंग और उड़द की बुआई किसानों की पहली पसंद है, क्योंकि इन फसलों को तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है और सिंचाई की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। साथ ही इनकी खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में इजाफा होता है। साथ ही इन फसलों की बाजार में भी अच्छी मांग बनी रहती है, क्योंकि इनमें 24 से 25 फीसदी प्रोटीन, 56 फीसदी कार्बोहाइड्रेट और 1% वसा पाया जाता है। वहीं उड़द दाल भी कई पोषक तत्वों से भरी होती है। तो आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं किसान किन बातों का ध्यान रखकर इन फसलों की भरपूर पैदावार ले। आलू गन्ना के खेत खाली हो चुके हैं, सरसों के खेत भी खाली हो रहे हैं या शीघ्र ही हो जाएंगे, और जहाँ पे चना या जो अन्य फसलें हैं उनके खेत भी इस महीने के अंत तक खाली हो जाएंगे। तो उसके पश्चात और खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व जो ये 2 से 2.5 महीने का समय बचता है, उसमें हम खेत को पड़त रखने की बजाय अगर आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो हमें कम अवधि में कम पानी में पककर तैयार होने वाली फसलें, ऐसी कुछ फसलें हैं जो कम पानी चाहती है, कम समय में पक जाती है, कम पोषक तत्वों का भी उपयोग करना पड़ता है, उन फसलों में नाम आता है उड़द और मूंग का, जो ग्रीष्मकालीन समय में ली जा सकती है। वो न केवल किसानों के लाभ में वृद्धि करती है बल्कि जो मृदा की उर्वरा शक्ति है और जो मृदा की भौतिक संरचना है उसमें भी सकारात्मक रूप से सुधार करती है। तो ये सही समय है मूंग और उड़द की बुआई करने का। ये आजकल जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनकी कई सारी ऐसी किस्में हैं जो 60-70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, उनको आप लगाकर अधिक उत्पादन ग्रीष्मकाल में ले सकते हैं। यदि हम किस्मों की बात करें तो जो पूसा विशाल है या SML 668 है, ये किस्में मूंग के लिए ले सकते हैं। उड़द के लिए पंत उड़द 5 है, और भी जो उन्नत किस्में हैं ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए संस्तुत, उनको आप लगाकर ग्रीष्मकाल में मूंग और उड़द की अच्छी फसल ले सकते हैं। इन दलहनी फसलों की बुआई करते समय किसान को किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। बुआई करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि मूंग और उड़द की बुआई हमेशा कतारों में करें, कतार से कतार की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर तक रखें, और जो बीज की मात्रा है वो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करें, और बीज को उपयोग करने से पहले उपचारित जरूर करें, बीज संशोधन जरूर करें ताकि कोई कीट और रोगों का प्रकोप नहीं हो। उसके लिए सबसे पहले जो कवकनाशी होते हैं उनसे आप बीज को उपचार करते हैं, जैसे कि थायरम है या बाविस्टीन है, वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के पश्चात कीटनाशी से उपचारित कर दें, और इसके अलावा जो जीवाणु खादे हैं उनसे जरूर बीजों का शोधन करें। उससे क्या होता है कि जो पूर्व फसलों में हमने पोषक तत्व दिए हैं
उनको गुलनशील बनाकर ये जीवाणु खादे हमारे जो मूंग और उड़द की फसल है उनको अधिक लाभ देती है। इसके अलावा जो राइजोबियम का टीका है वो जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण में भी सहयोग देता है। तो न केवल जो मूंग और उड़द की फसल की नाइट्रोजन मांग की पूर्ति होती है बल्कि इसका जो रेजुडल प्रभाव रहता है मृदा में अवशेष वाला प्रभाव रहता है उससे अगली फसल को भी नाइट्रोजन मांग की पूर्ति में लगभग 20-25% तक की अगली फसल में कम उर्वरक उपयोग हमें करना पड़ता है। जो जैव उर्वरकों से उपयोग करने का तरीका बड़ा आसान है। आजकल तो लिक्विड जो जैव उर्वरक हैं वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा यदि जो पाउडर वाले हैं वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल हमारे पारंपरिक जैव उर्वरक हैं उनका भी उपयोग करने के लिए ये है कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर उसको गर्म कर लें, उबाल लें और जब ये घोल ठंडा हो जाए उसके पश्चात उसमें जो जीवाणु कल्चर है हमारी वो मिला दें और उसके बाद बीज पे एक आवरण बना के और छायादार स्थान पर सुखाने के पश्चात बुआई करी जा सकती है। बुआई करने से पूर्व एक चीज़ जरूर ध्यान देनी है कि मृदा में पर्याप्त नमी हो। अगर मृदा में पर्याप्त नमी नहीं हो तो एक हल्की सिंचाई कर दें और उसके पश्चात बुआई करें। बुआई करने के बाद पेंडीमिथालिन नामक जो खरपतवार नाशी है उसका 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें ताकि खरपतवारों का जमाव नहीं हो। बुआई करने से 1-2 दिन के पश्चात आप जो कीट ये वीडिसाइड है उसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपकी फसल खरपतवार मुक्त रहेगी। सिंचाई की बात करें तो इन फसलों में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। बुआई के कितने दिन बाद पानी दें और खाद कितनी डालें जानते हैं विशेषज्ञ से। बुआई करने के बाद लगभग 3 सप्ताह तक फसल में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 सप्ताह बाद ही पानी दें क्योंकि शुरुआत में पानी देंगे तो हाई टेम्परेचर मोर्टिलिटी के लिए के कारण फसल कई बार नष्ट हो जाती है। तो एक बार पौधा जम जाए अच्छे से और 15-20 दिन के आसपास की अवस्था तक पहुंच जाए उसके पश्चात ही सिंचाई करें, उससे खरपतवारों का जमाव भी नहीं होगा। और जो फसल की बुआई करते हैं उससे पूर्व जो उर्वरक हैं हमारे खादों का उपयोग जरूर करें। उसके लिए मूंग और उड़द में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग उतनी ही मात्रा में पोटेशियम बुआई से पूर्व दे दें और उसके पश्चात ही बुआई करें। इस तरह से यदि सही तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे और खरपतवारों को नहीं जमा होने देंगे तो मूंग और उड़द की अच्छी फसल गर्मी के मौसम में जो 2 से 2.5 महीने के आपके खेत खाली पड़े रहते हैं उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और मिट्टी की जो भौतिक रासायनिक और जैविक दशा है उसमें भी सकारात्मक सुधार हो सकेगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम हमें मिल सकेंगे। दलहनी फसलें मिट्टी के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। किसान छोटी छोटी सावधानी अपनाकर जहां भरपूर उपज ले सकते हैं वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा कर सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कुदरत का खूबसूरत तोहफा आंखें। आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है वरना अंधेरा है। उजालों की है दरकार तो आंखों की समस्याओं को ना करें नजरअंदाज। क्या आप जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ आंखों की समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे आंखों की बीमारियां हैं उनके सही समय पर इलाज नहीं की जाए तो अंधापन हो सकता है। हम आंखों के रोगों की बीमारी के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में, उनके इलाज के बारे में विस्तृत रूप से डीडी किसान चैनल पर बात करेंगे। दृष्टिहीनता, कारण लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, देसी गौ पालन मुनाफे का सौदा है लेकिन तब जब आप अच्छी नस्ल का चयन करें।
आइए आज हम आपको गाय की एक ऐसी देसी नस्ल के बारे में बताएंगे जो कि गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम को आसानी से सहन कर सकती है। इसके अंदर दोनों ही मौसम को सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। कौन सी है वो नस्ल, आइए लेते हैं जानकारी कार्यक्रम के इस भाग में। देसी गाय पालन में हमारा दायरा बढ़ रहा है, साथ ही नस्ल सुधार करके इनसे उत्पादन क्षमता में भी इजाफा हो रहा है। भारत में करीब 8 करोड़ किसान गाय पालन कर रहे हैं, क्योंकि गाय पालन के कई फायदे हैं। देश के सीमांत और छोटे किसानों की कुल आय का 25 से 26% हिस्सा इन्हीं से मिलता है। दूध या दूध से बने उत्पाद विक्रय कर छोटे किसान या पशुपालक रोजमर्रा की जरूरत को पूरी करने के लिए इन पर निर्भर होते हैं। इसके लिए पशुपालक बेहतर मुनाफा देने वाली नस्लों का चयन करते हैं। वैसे तो हमारे देश में 50 देसी गाय पंजीकृत हैं, जिनमें से कांकरेज गाय का मुख्य स्थान है। ये गुजरात के बनासकांठा जिले के कांकरेज क्षेत्र में आई हुई मानी जाती है। क्षेत्र के आधार पर ही इसका नाम कांकरेज रखा गया है। कांकरेज गाय गुजरात राज्य में कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है, साथ ही राजस्थान में भी कांकरेज गाय पाली जाती है। इसके पालने का उद्देश्य केवल दूध उत्पादन नहीं है, बल्कि ये कृषि कार्यों में भी सहयोग करती है और इस नस्ल के बैल काफी बलशाली होते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं। पहचान और विशेषताएं, इस गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ये उच्च तापमान में भी आसानी से रह लेती है। इसका मुंह छोटा और चौड़ा होता है, लेकिन कांकरेज गाय आकार में बड़ी होती है। इस गाय के सींग लंबे और अर्धचंद्राकार होते हैं। इस नस्ल की गाय के कान बड़े और लटके हुए होते हैं। इनकी दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती है। कांकरेज गाय हल्के भूरे से लेकर चांदी के रंग में पाई जाती है। आज आलम यह है कि गुजरात ही नहीं, आसपास के राज्य इस नस्ल का पालन करने में अच्छी खासी रुचि ले रहे हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी न सिर्फ देसी गाय में कांकरेज का पालन कर रहे हैं, बल्कि वो गाय के गोबर से 80 तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। इसके अलावा गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती में भी कर रहे हैं। कांकरेज गाय का ब्रीडिंग का काम और संवर्धन का काम भी हो रहा है और गौ पालन भी हो रहा है। कच्छ के अंदर ये कांकरेज ब्रीड जो पूरे भारत में प्रख्यात है, विख्यात है, और कांकरेज ब्रीड की एक विशेषता है वो चंचड़ है, सुंदर है, एकदम ताकतवान है। तो उसके जो बैल है वो पूरे भारत में जा रहे हैं। उसका चलने का ड्राफ्ट पावर भी अच्छा है और चलने की गति भी अच्छी है। तो उस हिसाब से ये कांकरेज गाय के जो बैल है वो काफ़ी किसान पसंद करते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ 400 गौवंश है और ये 400 गौवंशों का हमने सक्सेस स्टोरी किया है। और उसमें खास करके हमने जो काम किया उसकी बात कहूँ तो हमने पहले तो गौवंश से हमें प्रोडक्शन कैसे मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आय कैसे बढ़ सकती है, उसके ऊपर जो हमने काम किया है। और दूसरा काम किया है उसका जो पीछे जो व्यय होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यय को कैसे कम कर सकते हैं, उसके पीछे हमने 10 साल जो काम किया है उसकी कुछ बात आपके सामने रखता हूँ। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूँ तो बोल सकता हूँ कि गाय के गौशाला का 4 प्रोडक्ट होता है। एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं, हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है कभी कभी ज़्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं। और लोगों को गाय की गुणवत्ता जो दूध का साइंस है उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं। दूसरा है, दूसरा पक्ष रखा है हमने गोबर का। तो गोबर का भी काफ़ी उपयोग है। गोबर मुख्य तौर पे ज़मीन के लिए है और उसका खाद भी बनता है, तो हमने यहाँ खाद बनाने का एक प्लांट डाला है।
उससे हम 6 रुपये किलो के हिसाब से बोरी में पैक करके अच्छा मिनरल्स और वनस्पति का मिश्रण करके एक अच्छा उत्तम खाद बनाया है, जो बायोलॉजिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से और खनिज द्रव्य के तरीके से समृद्ध खाद बनाया है। तो ये प्राकृतिक खाद बना के अच्छा सा गोबर का हम उत्पादन आय बढ़ा सके हैं, मूल्यवर्धन कर सके हैं। दूसरा है कि गोबर का हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाई है, जैसे गोबर में से धूपबत्ती बनाते हैं, गोबर में से उबले बनाते हैं, हवन के यज्ञ के कंडे बनाते हैं, उसी तरह हमने गाय के गोबर में से गोबर क्राफ्ट बनाया है। गोबर के गणपति है, गोबर के राखी है, गोबर के दिए है, गोबर के तोरण, वॉलपीस, मिरर, किचन, ऐसे कई डिब्बा, गमला, ऐसी लगभग 30 प्रकार की प्रोडक्ट हम यहाँ बनाते हैं और 30 प्रकार की प्रोडक्ट में से गाय का गोबर का मूल्यवर्धन किया है। आज हमारी इन देसी नस्लों को खास संरक्षण की जरूरत है, जिसमें सरकार तो अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन हर पशुपालक को ये बात समझनी होगी कि हमारी नस्लों में प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन काफी बेहतर है। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे इंसान से जो कि एक सफल उद्यमी तो हैं ही, साथ ही पशुओं के सहायक भी हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां। उत्तराखंड यानी देवभूमि, नदियों, पहाड़ों और मनमोहक मंदिरों को अपने में समेटे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री होने के कारण देश के हर राज्य से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। इतनी खूबियों से भरे इस प्रदेश में एक और बात है जो यहाँ के लोगों में मिलती है और वो है सहजता। इसी सहजता की एक मिसाल है राकेश जी, जो असहाय और लावारिस गायों को सहारा दे रहे हैं। गायों को पर्याप्त आसरा मिले इसके लिए उन्होंने गायों के रहने के लिए रैन बसेरा भी बनवाया है, जिसमें वो गायों की सेवा करते हैं और उनके गोबर का इस्तेमाल पूजा पाठ का सामान बनाने में करते हैं।
और इनसे होने वाली आय से गायों का बेहतर पालन पोषण करते हैं। मैंने जी छोटा सा बिजनेस शुरू किया है गौ सेवा से। जो गौ माता होती है हमारे उत्तराखंड में, तो लोग क्या करते थे कि इसको छोड़ देते थे, जैसे लावारिस छोड़ दिया, जो दूध नहीं देती, कोई गिर गई तो उसको लावारिस छोड़ देते थे लोग। तो फिर एक पीड़ा थी कि इसको हम अच्छे से पालें, इसके लिए कुछ रैन बसेरा टाइप का बनाएं जिसमें ये रहे। उसके बाद एक विचार आया दिमाग में कि इसका हम गाय का गोबर का यूज कर सकते हैं। राकेश जी गोबर से धूप बत्ती बनाते हैं और इस धूप बत्ती में कुंजा घास का इस्तेमाल करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस घास में एक खास तरह की खुशबू होती है जो इस घास में पाए जाने वाले तेल के कारण आती है। राकेश जी इसके अलावा इसमें सुमैया घास भी मिलाते हैं। इस कॉम्बिनेशन से जो धूप बनाई जाती है वो पर्यावरण और सेहत के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। वो बताते हैं कि उनकी इस धूप की अच्छी खासी मांग होती है। राकेश जी जंगल में मिलने वाले फूलों से भी धूप बत्ती बना रहे हैं। फिर हमने गोबर को यूज करके पहले एक धूप बत्ती का किया। एक हमारे यहाँ घास होती कुंजा घास, हम कुंजा घास को और गोबर के साथ मेल्ट करके इसको देखा हमने, तो ये हम पहले उसमें कामयाब हो गए। ये हमारी धूप है, देवभूमि दर्शन धूप के नाम से हमारी है। ये बहुत फेमस है पूरे उत्तराखंड में। ये अब मतलब ये लगा लीजिए कि इसी धूप से आज गाय पल रही है हमारी। इसके बाद हमने तीन प्रकार की और निकाली। एक जैसे ये है, ये हमारे सुमैया होता है, एक घास घास के साथ हमने एक और निकाली। उसके बाद फूल होते हैं, लोग उनको भी ऐसे छोड़ देते हैं जंगलों में। वो फूल पुराने फूल होते हैं, तो वो फूल का हमने फिर यूज किया कि भाई इसको जो ऐसे लोग फेंक रहे हैं इसमें गोबर का यूज करके एक और धूप निकाली। उसके बाद हमने इसको साथ में हमने क्या किया कि इसका जैसे समरानी कप बाजार में बिक रहे हैं आजकल, केमिकल वाले बिकते हैं, तो हमने इसमें कोशिश की कि एक कप बना के और इस कप में हम खुशबू अपने उत्तराखंड की पूरी खुशबू बिखेरें इसके अंदर। और ये आज आप लोगों के आशीर्वाद से, और जलागम हमारे साथ है जो उसने हमको सही लाइन दी है, तो उससे भी हम काफ़ी प्रोत्साहन करके और आज हम अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। उनके इस प्रयास में उनका परिवार साथ खड़ा है। हालांकि शुरुआती समस्याएं तो आई, लेकिन आज उनकी बनाई देवभूमि दर्शन धूप बत्ती की हर तरफ धूम है। वो मानते हैं कि सब में जितना उनका प्रयास कारगर रहा उतना ही गौ माता का आशीर्वाद भी। हमारे परिवार ने पूरा साथ दिया, मेरी मैडम ने, मेरे छोटा भाई है, उनके परिवार ने, सबने की कोई बात नहीं, तुम लोग दोनों भाई कर रहे हो तो इसको करो और अच्छे लेवल पे लाओ, इसको लोगों को दिखाओ। क्या तुमने पागलपन कर लिया कि भाई गायों को इकट्ठा करना, तो इसको अच्छा करके दिखाओ कि भाई हमने ये जो किया है अपने दम पे किया। कोई किसी ने इकट्ठाएं तो बहुत आई, कोई कैसे लोग होते भाई हमारे यहाँ ये अगर चारा खाएगा हमारा तो हम भाई केस कर देंगे तुम्हारे पे, मतलब कई चीज़ें आती हैं इनमें कि बहुत कठिनाई आई, लेकिन परिवारों ने साथ दिया तो आज उसी का नतीजा है कि हमको एक मतलब ये लगा लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में जानने लग गए आप लोगों के माध्यम से, कि आप लोग हमको दिखाते रहते हो कि भाई इससे मतलब एक लोगों को भी जो दबे लोग हैं कि वो सोचते हैं नहीं यार ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक अलग सोच तब मिसाल बन जाती है जब उसमें बिना किसी भय के आगे बढ़ा जाता है। राकेश जी का ये कदम उन सभी लोगों के लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं जो अपने आसपास के संसाधनों का मूल्य नहीं समझते और अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा से देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।